माही नमः, श्री हनुमन्ते नमः। श्री श्याम नित्य ज्योत पाठ पंचम स्कंद मुक्करोचि वाचलम पंगु लंगते गिरिम यत कृपा तम वंदे परमानंदम माधव। जिसकी कृपा गोंगे को वाचला तथा बोलता तथा लुंगे को पर्वत लांगने योग्य करती है उस परम आनंद स्वरूप माधव श्री श्याम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्याम ज्योति मंगल सुखकारी जय जय मामा श्याम बिहारी। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम। युद्ध कुरु गण भूमि जाए इसमें फर्क नहीं इकराई। रंजी तो का एक बाण से वरना मस्तक तो का से। इसे मां तिहारियों मानू करो पमाने तब में जानू। देखा सुना नहीं कोई ऐसा बालक तुम बोले जैसा। पहना मेरा तुम चित लाओ भोज साथ ले रण में आओ। भगवरी की जय जय बखानी करो परीक्षण में पुरुष जानी। अगर परीक्षा में तुम्हारे जन्ना का देश तुम्हारे इम्तहान में पास न हो शिक्षा से जल निकल जाओ। अभी परीक्षा हो जाएगी बनी मामना को जाएगी ओ इस पीपल के पातों को लाला रे उदे सब पत्ते चेतन करो साबत बचे न एक पर के साबत बचे न एक। श्याम ज्योति मंगल सुखकारी जय जय मामा श्याम बिहारी। श्याम श्री श्याम श्याम जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम। अज्ञा को मस्तक मन माहू से विनती कीनी इतने में चलिया चल के नौ पत्ते पर पत पंकज दीनो। गर्क से एक तीर निकाला मको नमन किया तत्काला। छोड़ा बाणी विषक माई पल्लो चेतन करने ताही। पान मिले बाणी ने एक पान जो मिलता नहीं। अब लोग तीर तीर लोग प्रभु पद कमल मिलता नहीं। कब चीत मुँह पता दिया प्रभु कमाए ते जो पग तले। कब तीर तर कस ने सजाए राज जाने को भले। चरणी है दाया बीप ले गया सारा वे पता दबा जो पग तले उसके भी ताछेद भक्तो उसके भी ताछेद। विपदे में से पंगते चुम विष्णु भगवान ऐसा रूप सलोदा मुख पर मीठी सी मुस्कान भक्तो मीठी सी मुस्कान। श्याम ज्योति मंगल सुखकारी श्याम बिहारी। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम। सन कमल में सिर झुकाया आशीर्वाद सुहाना पाया। पूरी हुई परीक्षा तेरी तू ही नाम सूत्र मेरी। मेरे नाम से पूजा होगी पूजेंगे किसकी और योगी। हारेगा तो सारा कलयुग में भक्तों का प्यारा। शिव को कुल प्रणाम वीर में बसती है तीन तीर में। माधव अंदर जाने हो गए केसों में बलबरिक खो गए। बीच रहा मिचली अकेला मोते कमीरों का मेला। ओ शुक्ल पक्ष एकादशी मिल गई कृष्ण मुरार। राज जगाई बरबरी के ने मन में खुशी अपार भक्तो मन में खुशी अपार। श्याम ज्योति मंगल सुखकारी जय जय बाबा श्याम बिहारी। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। अंत काल समय शुभ चाना प्रोचे ऊंचा बलवाना। वीरों में तरकस में तीर जय जय के वहां वीर वीर। नील गगन में संगूंते नाम सुन ब्रह्मां दोस्ते। जीव रंग पोसा के जल के न्यारे न्यारे ढंग है दल के। रणबेरी सुन दे सुनाई नचना आए कृष्ण कनाई। बरवाली बूझे मत वाला कहां मिलेगा मुरली वाला। पूर्ण दल का एक जवान पांडव दल का निशान। कबीरों का है तलवारी वहां मिलेंगे कृष्ण।
कृष्ण मुरारी जिसके नक्की दिना सुरंगी दिना बीच में है बजरंगी उस रथ पे ही है नंदन है स्वतंत्र है कोई बंदा दूर दिखोई दीत जा बजाम बीच हनुमान दर्शन श्री कृष्ण का पूर्ण हुआ हनुमान भक्तो पूर्ण हुआ हनुमान नमन किया श्री कृष्ण के सुमि चरणों में रख सी अंतर्यामी बरवरी के को कई मंगल आशीष भक्तो कई मंगल आशीष श्याम ज्योत मंगल सुखकारी जय जय मां महाश्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जज श्याम श्री श्याम श्री श्याम जज श्याम बिंब लिखा पुत आ गया तो नायिका पे छा गया सौरांगन में मुझे प्रवेश हो अशु के हृदय युग के सुनने कृपा की नी ऊपर मिसकी अनंत दिनी और की नाम बतलाया मुख द्वार के सम्मुख आया हमके सबको शीश नवाया आशीर्वाद सभी से पाया सौरांगन में पांचो पांडव ने परिचय करवाया माधव अन्य का पर्याय बताया मितो युद्ध कर को आया हो मनमोहन करने लगे स्वयं प्रशंसा वीर की भव से वो करने लगे कथा सुनत बबरीक की सहित मजनीन को प्यारा किसने सुना बेमान महाभारत के योग में कर दे सब वीरों को श्याम ज्योत मंगल सुखकारी जय जय मां श्याम बिहारी श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम घूमे रंजित वादो मात बसी में चंद्राऊ इन वाण है इनके पास के लिए हुए है खास भीम पुत्री है मलकारी नीले गोने की सहमारी लड़े लड़ाई हार बख से कोई हटा सके न रथ से एक मोटे जीत के सुन के कोदव दंग बनाता इनको कोई हरा न पावे किसी सभी को ये समझावे सोच विचार करे मन माही के सब बरबर के ताई शीश लेन की युक्ति पाई मायापति माया फैलाई धरने भूमि पूजन विजय लगे नहीं बरबरी के बोले पूजा की तिथि बताओ नाथ कृष्ण की तिथि बताओ बरबरी युद्ध में आते हैं रास्ते में कृष्ण भगवान मिलते हैं ब्राह्मण का रूप देखिए और बरबरी के बारे में पूछते हैं हे बालक तू कौन है बरबरी बोलता है मैं युद्ध करने आया हूँ युद्ध देखने तेरे को कौन भेज दिया भाई तुम छोटा सा बालक खाले तीन तरकस में तीर लेके आ गए कृष्ण भगवान बोलते हैं तेरे को कोई भरमाया है तुम घर चला जा बरबरी बोले भगवान मेरी परीक्षा ले लो आप इस पीपल के जितने पत्ते हैं एक तीर से छेद करके दिखा दे कृष्ण भगवान ने एक पत्ता अपने पांव तले दबाया बरबरी अपनी माँ को याद किया एक तीर चलाया सारे पत्ते छेद किया और जो कृष्ण भगवान के पांव के नीचे पत्ता था उसमें छेद करके तिरकस में फिर तीर आ गया कृष्ण भगवान समझ गए ये कोई वीर है और अपना साथ साथ कर उसको रूप दिखाया और उसको वरदान दिया तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे उस दिन से कृष्ण बरबरी को कृष्ण का रूप मिला और जैसे ही वो रणभूमि में पहुंचते हैं उनकी महानता कुशलता स्वयं कृष्ण भगवान पांडवों को बताते हैं कि इनको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता और जो पक्ष हारेगा उससे युद्ध करेगा और इस महाभारत के युद्ध में तीन वीर हैं एक कृष्ण भगवान एक अर्जुन और एक बरबरी अर्जुन अगर शीश का दान देगा तो युद्ध कौन करेगा
तो बर्बरिक से शीष दान लेने की युक्ति उपाय कि पांडवों की विजय कराने के लिए रणभूमि में शीष दान की बलि देनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, उस पे एक भजन। अर तुम हम अर्जुन तीन वीर इस भारत में दर्शावे, एक वीर की बलि होवेगी वो किसकी दी जावे, एक वीर की बलि होवेगी वो किसकी दी जावे। समय बीतता जावे वीर कोई कोई उत्तर देता, समय बीतता जावे। शीश दान से आज अमर फल, शीश दान से आज समर फल, जो भी खानो सावे महारती तीनू वीरा में वो आगे आ जावे, हर महारथी तीनू वीरा में तो आगे आ जाए। अरे माता मेरी ज्ञान दियो है, माता ने ही ज्ञान दियो है, जो कोई आज की आवे दानी देने जो मांगे सो अपना प्राण लुटावे, दानी देवे जो मांगे सो अपना प्राण लुटावे। दिल में जावे महाभारत का युद्ध देखना, ये दिल में रह जावे। शीश दान के संत सुन श्री कृष्ण महाराज, बरबरीक को दिव्य दर्शन अर्जुन जाने राज, भक्तो अर्जुन जाने राज। श्याम ज्योति मंगल सुखकारी जे मामा श्याम बियारी, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय श्याम। नाला से बोले यदुराई दीच सी तुमने है पाई, पूरा महासंग्राम निहारो निर्णायक स्तंभ पधारो, दिव्य ज्योति पधराई तुझमें भेद नहीं अब तुझमें मुझ में, शीश दान की बेलाई सुगंध भी रस गाई, शीश दान की बेलाई गंधर्व वीर रस गाई। ये जो शीश दान है ना, ये महोत्सव के उपलक्ष में मनाया जाएगा। ये मस्तक दान महोत्सव है, ये मस्तक दान महोत्सव है।